Thanks for watching and please subscribe my channel. Thank you. हेलो दोस्तों, आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के बारे में बात होती है और मोबाइल से जुड़ी बातें होती हैं। तो दोस्तों, आज मेरे पास आया है ये सैमसंग का फ़ोन जो कि सीपीयू में दिक्कत है और मुझे कमेंट में बहुत सब्सक्राइबर्स जो मेरे अपने सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे कमेंट में बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि आशु भाई मुझे बताए कि इसका सीपीयू जो पेस्टेड आईसियाँ होती हैं वो कैसे निकालेंगे हम। तो मैं आपको एक एक चीज़ इसके अंदर बताऊंगा कि पेस्टेड अगर आपके पास अगर फ़ोन इस टाइप के आ जाते हैं जिनमें पेस्टेड आईसी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो नए टेक्नीशियन है जिनको आता है बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि जो पेस्टेड आईसियाँ होती हैं कैसे निकालना होता है। स्टेप बाई स्टेप आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कि अगर आपके पास फ़ोन ऐसा आ जाता है या आपको उस दौरान CPU या EMC निकालना पड़ता है कहीं आजकल का, तो जो Qualcomm की ज़्यादातर ICAँ जो होती हैं पावर ICAँ उनमें भी पेस्टेड लिखी आ रही हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि पेस्टेड ICAँ कैसे निकलती हैं और क्या क्या सावधानी है। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है ज़रूर दबाएँ जिससे मेरी सारी वीडियो आपके पास पहुँच जाएंगी और सारे सॉल्यूशंस आप देखते रहेंगे और फ़ोन का काम मोबाइल का काम आप सीखते रहेंगे। तो आपको पता ही है मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए डेली एक वीडियो, यानी कि अपनी कोशिश रहती है कि मैं रोज़ एक सोल्यूशन अपलोड करूं या आप लोगों के पास पहुंचाऊं। तो शुरुआत करते हैं आईसी को हम कैसे निकालेंगे। अभी फ़िलहाल ये फ़ोन खोल लिया है मैंने। फ़ोन खोल के मैं इसको फ़िलहाल आपको बताऊँगा कि इसके ऊपर मैं, अगर आपका फ़ोन ऐसा आ जाता है तो आपने करना क्या है, ये हमने अभी फ़िलहाल इसका जो EMC है इसको हम निकालेंगे और निकालने से पहले मैं आपको बताऊंगा ये सिल्वर टेप का ज़रूर हेल्प ले लें दोस्तों, जिससे आप अगर हीट मार रहे हैं तो आपकी ये आईसीओं में हीट ना जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको इसका जो सेफ्टी पर्पस है वो आपको बता रहा हूँ कि इसको आप ऐसे लगा लें। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ढक लें। आप पूरा वीडियो देखें दोस्तों, मैं आपको कोशिश रहेगी मैं आपको एक एक चीज समझाऊं। अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आशु भाई मुझे ये चीज समझ नहीं आई, तो मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की। ये ऐसे पूरा आप ढक लें इसको। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको ढक लिया है पूरा इस तरीके से। अभी फ़िलहाल मैं आपको अपने माइक्रोस्कोप में इसको बताता हूँ कैसे मैं इसको निकालूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने इसको अभी फ़िलहाल माइक्रोस्कोप पे लगा लिया है, आपको बिल्कुल क्लियर दिखे चारों तरफ से। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको सेट कर लिया है दोस्तों। पूरी वीडियो देखें, आपको मैं आज बताऊंगा कि आप पेस्टेड आईसी कैसे निकालेंगे, चाहे जैसे मर्जी निकालें दोस्तों। आपके पास जैसा भी मर्जी बोर्ड हो, डेड बोर्ड हो, उस पर आप प्रैक्टिस करें। मैं चाहता हूं कि आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, एक बार में कभी भी नहीं निकलती ढंग से। तो आप देखें मैं कैसे निकाल रहा हूँ कि आपने चारों तरफ से हीट मारना है। जिस जगह से हीट मारना है आप 200 की हीट रखें, 200 से 250 की हीट रखें, ज़्यादा हीट नहीं रखनी क्योंकि हमने अभी पेस्ट निकालनी है चारों तरफ से, जो वाइट पेस्ट है। तो देखिए आप चारों तरफ से हीट मारें, जहाँ से आप पेस्ट निकालेंगे वहाँ से आप इसको हीट मारें। देखिए कैसे मैं इसको आराम से काट रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो कटिंग जो ट्वीज़र है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ टूल है, उस पर आपने दबाव नहीं डालना, जो मदरबोर्ड है उस पर दबाव नहीं डालना कि जो हमारे नीचे के ट्रैक हैं वो कटने नहीं चाहिए। बहुत ही आराम से, बहुत ही पोलाइटली काम करना है, ज़्यादा तेज नहीं दबाना कि जिससे हमारा जो नीचे का ट्रैक है वो कट जाएंगे। तो हमने आराम से हीट मारनी है और वो भी बहुत ही आराम से, ऊपर से हीट मारनी है और ऐसे साइडों से पेस्ट कटिंग करनी है, जल्दबाजी ना करें। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको प्रॉपर इस वीडियो के अंदर प्रॉपर दिखाऊंगा कि कैसे आप वाइट पेस्ट ग्लू निकालेंगे।
ये देखिए दोस्तों, ऐसे आराम आराम से आपने निकालनी है, बहुत ही ईजी है, जल्दा ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप एक बार किसी का फ़ोन लेने से पहले एक दो बार किसी डेड बोर्ड पे आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे ज़रूर होगा दोस्तों। कई बार हमसे भी ट्रैक निकल जाते हैं, तो आप ये ना सोचें कि हर कोई पूरा ही 100% होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर कोई 100% नहीं होता इस लाइन के अंदर। तो आप भी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे हर चीज़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बार में आप सक्सेस हो जाएं। तो ये देखिए मैंने इसको कैसे मैं पेस्ट कटिंग कर रहा हूँ, और ऊपर से आप हीट मारते रहें दोस्तों। ये देखिए मैं बहुत ही आराम से आप निकालते रहें पेस्ट। ये देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते होंगे कि इसके नीचे जो ट्रैक है वो कटने नहीं चाहिए। देखो मैं कैसे इसको स्क्रैच कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल ऊपर से स्क्रैच करना है, सिर्फ हमने पेस्ट हटानी है, ना कि हमने नीचे ट्रैक हटाना है। कई बार ट्रैक कट जाते हैं तो हमारा सारा की सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो अभी आज मैं फ़िलहाल आपको दिखा रहा हूँ कि आज कैसे हम इसको पेस्ट हटाएंगे और कैसे हम इस EMMC को निकालेंगे। तो बने रहिए दोस्तों, पूरी वीडियो देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा। दोस्तों हमारे बैच के अंदर न्यू बैच शुरू हो रहा है हमारे जो रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। तो जिसको भी ट्रेनिंग लेनी हो, हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, ज़ीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक, यानी कि बेसिक नॉलेज प्रॉपर देंगे। जो बिल्कुल ज़ीरो हैं उनको भी हम प्रॉपर बिल्कुल 0-0-0 लेवल से लेकर हम प्रॉपर ढंग से काम सिखाएंगे उनको, एक एक चीज़ ज़ीरो लेवल से समझाएंगे। तो अभी फ़िलहाल देखिए मैं कर रहा हूँ ये, और हमारे जो इंस्टीट्यूट है इसके अंदर हम आपको वोल्टेज की नॉलेज, एक एक चीज़ की नॉलेज देंगे ज़ीरो लेवल से लेकर, आपको मैं बता ही चुका हूँ जो। और मैं हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जिस लेडीज़ ने या किसी गर्ल्स ने किसने काम सीखना हो, जिनको दिल करता हो गया हमें भी इस मोबाइल लाइन के अंदर जाना चाहिए, तो आप घबराएं ना और आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए, हम आपको बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट के अंदर डिस्काउंट देंगे, कि जिससे हम भी चाहते हैं कि हमारे जो देश की महिलाएँ हैं आगे बढ़ें और वो भी काम करें। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ घर पर ही बैठे रहना है, तो आप काम कर सकते हैं, काम सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लड़के ही काम करते हैं, सब लोग काम कर सकते हैं। तो आप आइए, हम आपको ज़ीरो बेसिक नॉलेज प्रॉपर बताएंगे और प्रॉपर चिप लेवल का काम बताएंगे। और हमारे इंस्टीट्यूट में अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम आपको जो ग्लास का ट्रेनिंग है, जो OCA ग्लास ट्रेनिंग है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अगर आप जो ये कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो फ़िलहाल देखिए मैंने इसकी जो चारों तरफ से पेस्ट है वो बिल्कुल आराम से निकाल ली है। जो आपका ये आप देख रहे हैं ये टूल है, इसको हम CPU टूल कहते हैं, अगर आप लेना हो मार्केट से बहुत ही ईजली है। ये देखिए मैं चारों तरफ से पेस्ट लगा रहा हूँ कि जो नीचे बोल्स हैं, जो शोल्डर वाली बोल्स हैं, वो हल्की हल्की मेल्ट हो जाएँ। तो आप पेस्ट लगा लें दोस्तों चारों तरफ से, ये देखिए, और चारों तरफ से हीट मारें, एक तरफ से हीट नहीं मारनी, कहीं एक तरफ से आप हीट मारते रहें और एक तरफ से एक उठाने लग जाएं। तो आपने जब CPU को उठाना है, उठाने के वक्त तो आपने चारों तरफ से इसको हीट मारना है, और हीट की जो पोजीशन है 350-400 के आसपास आप रख लें अपने अकॉर्डिंग, कि आपको लगे कि हाँ ये इतनी हीट मांग रहा है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आराम से, ये CPU टूल है, हम इसको CPU टूल कहते हैं, इसको आराम से आप नीचे डालें, ज़्यादा तेज़ ना दबाएं, जिससे हमारे नीचे के जो बॉल्स हैं ट्रैक टूटे नहीं। अगर टूटते भी हैं, ऑलमोस्ट 98.9% लोग ट्रैक निकाल देते हैं, तो NC के होते हैं, नॉन कनेक्शन। तो घबराने वाली बात नहीं है, EMC के अंदर ज़्यादातर नो कनेक्शन ही निकलते हैं। आप देखिए बहुत ही आराम से मैं इसको पेस्ट निकाल रहा हूँ, बहुत ही आराम आराम से आप अंदर डालें CPU के जो CPU टूल है, बहुत ही आराम आराम से। अगर एक आधा कंपोनेंट निकल भी जाता तो घबराएं ना, उसको पहले आप फ़ोटो खींच लें। ये देखिए मेरा एक साइड से कंपोनेंट अगर कैपेसिटर निकल आया, तो घबराने वाली बात नहीं है कि आप रुक जाएं, रुकना नहीं है दोस्तों, कंटिन्यू। ये देखिए CPU आराम से EMC बाहर निकाल दिए है मैंने। अगर देखो दोस्तों, आप देख सकते होंगे इसके अंदर एक दो कनेक्शन निकल गए हैं, प्रिंट निकल गए हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, ये सारा NC है, नो कनेक्शन है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए आज दिखाया है कि कैसे मैंने इसको आपको पेस्टिड IC कैसे निकालनी है, तो अगर आपको समझ आया हो तो बेस्ट है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ कमेंट में भी बताएं। आप मुझे मूल्यवान टाइम दिया, इस वीडियो को मूल्यवान टाइम दिया, थैंक यू सो मच दोस्तों। और आसपास सफाई रखें, और पशु पक्षियों को खाना और पानी ज़रूर दें, आने वाली गर्मियों में ज़रूर पानी रखें दोस्तों छत पे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो,
दोस्तों ये देखिए मेरी जो EMC है मैंने बाहर निकाल के रख ली है, और आपने भी ऐसे काम करना है दोस्तों। और जो ये नो कनेक्शंस हैं, आपने घबराने वाली बात नहीं है, आप गूगल में जाइए, उससे स्मैटिक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आप जैसे ये 186 है आई थिंक सो, हाँ 186 है EMC, आप उसमें डायग्राम डाउनलोड करें और उसमें आप देखें जो नो कनेक्शन है वही निकला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों।